रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी और कूल कूल नमस्कार। 3 दिन से लगातार स्नोफॉल के बाद ये आज के लेटेस्ट नज़ारे हैं और ये हालात हो गए हैं। और एक यूनिक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो कभी आपने सोचा नहीं होगा, उसका समाधान भी बताऊँगा। और मैंने मनाली आने के लिए इस थंबनेल पर मना क्यों किया वो भी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में रोहतांग पास, मनाली लेह हाईवे, अटल टनल और मनाली, इनकी लेटेस्ट जानकारी मिलने वाली है और विथ प्रूफ मिलने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। और अब हम बात करें यहाँ की, तो ये लोकेशन कौन सी है? ये मनाली ले हाईवे पर 15 किलोमीटर की दूरी पर है, मिलियांग होम स्टे। और यहाँ ठहरना चाहते हैं तो इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मनाली पैकेज और मनाली आसपास घूमने के लिए टैक्सी के लिए रजत भाई के व्हाट्सएप लिंक दिया गया, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अप्रैल महीने में इतना स्नोफॉल नहीं होता है अमूमन। यदि आपने अनुभव किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रोहतांग पास पर कभी कभार हो जाता है, वो तो जून में भी हो जाता है रोहतांग पास पर, यदि आपने चांस, यदि लकीली आपने देखा है तो वो आपको मिल सकता है। तो ये हालात, लेटेस्ट वीडियो है मनाली लेह हाईवे का, देख सकते हैं। तो जो मनाली लेह हाईवे करना चाहते हैं तो मई महीने में खुल सकता है, क्योंकि इस लेटेस्ट स्नोफॉल की वजह से एक बार ये रोड है वापस ब्लॉक हो गई है, मनाली लेह हाईवे। आप सभी को बधाई, आपकी वजह से हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वो 10,000 का आंकड़ा छो चुका है। और आप अपने फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं, ओपन ग्रुप है और इसको भी फॉलो कीजिएगा, ये हमारा पेज है। और अब हम बात करें यहाँ मनाली लेह हाईवे की लेटेस्ट सिचुएशन की, तो आपको हम दिखा रहे हैं लेटेस्ट आपको फोटो वीडियो, और आप कहेंगे तो और वीडियो भी हमें लाऊंगा। और यदि आपको स्नो ड्राइव का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको गाड़ी यहाँ का लोकल ड्राइवर उससे हायर कीजिएगा, आपकी सेफ्टी की बात है। और लाहौल स्पीति पुलिस इसी यही बात करती है कि जैसे ही स्नोफॉल होता है तो अटल टनल बंद कर दिया जाता है। आपको तो थोड़ा सा दिक्कत लगता होगा कि स्नोफॉल देखने नहीं दिया जाता है, लेकिन आपकी जान की कीमत पर यदि स्नोफॉल देखने दिया जाए तो मेरे हिसाब से गलत ही होगा। इसलिए लाहौल स्पीति पुलिस अच्छा कर रही है, उनका साथ दीजिएगा, स्नोफॉल देखते रहेंगे। मनाली के अंदर की बात करें, मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि 3 दिन से मनाली के अंदर रेनफॉल हो रहा है और कल भी होता रहेगा, और आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसकी वजह से मैं मना कर रहा हूँ कि मनाली मत आना। आप कमरे में कैद होकर न रह जाए इसलिए मना कर रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मनाली में। और वो यूनिक प्रॉब्लम यह है कि जैसा कि आपको एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो साइन बोर्ड भी सफ़ेद कलर के अंदर आवृत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लोकेशन का पता नहीं चलता है। इसलिए ऑफलाइन गूगल मैप डाउनलोड करके आइएगा, तब आपको ये समझ में आने वाला है। और ये क्लिप है जो कल की आज की नहीं है, अंतर दिखाने के लिए मैंने ये आपको ये बताया था। और अभी रोहतांग पास क्लोज है, वो जल्दी ही खुलने वाला है। ये बर्फ़ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है, इसलिए जल्दी मेल्ट हो जाएगी और जल्दी ही ओपन हो जाएगा। अटल टनल है और मनाली ले, ये अभी कुल्लू पुलिस ने ये जारी किया है और वीडियो भी आप साथ में देख सकते हैं। और ज़रा भी वीडियो अच्छा लगा है, हम लेटेस्ट टूरिज्म न्यूज़ विथ प्रूफ देते हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।